और अब बिग एंड बोल्ड में आज की सियासी सरगर्मियां बहुत जल्दी से आपको दिखाता हूं। उद्धव ठाकरे गुट के नेता और पूर्व मंत्री अनिल परब समेत 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार चार आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा है। अनिल परब ने अग्रिम जमानत के लिए सेशंस कोर्ट का रुख किया है। मामला बीएमसी अधिकारी के साथ मारपीट का है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। शिवसेना यूटीबी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को बीएमसी अधिकारियों के साथ मारपीट की थी। दरअसल बीएमसी ने पिछले हफ्ते बांद्रा पूर्व के निर्मल नगर में अवैध शाखा ऑफिस को ध्वस्त कर दिया था, जिसके खिलाफ उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने बांद्रा ग्रुप में बीएमसी ऑफिस में बवाल किया और इंजीनियर के साथ मारपीट की। बिग एंड बोल्ड में आपको यह बता दें कि कहां और किस महाशिवालय से 11 किलो सोने की चोरी हुई, ये खबर आप बहुत जल्द आगे देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगली अहम खबर आपको बता देता हूं। यहां देखिए आप, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के ऐलान के बाद हिंसा का दौर थम नहीं रहा। कूच बिहार में ममता की रैली के दूसरे दिन टीएमसी के दो गुटों में हिंसक झड़प हुई। दिनहाटा में गोलीबारी में एक कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि 5 जख्मी हो गए। कल मुर्शिदाबाद में दो जगह हिंसा हुई, दोनों घटनाओं में 4-4 लोग जख्मी हो गए। चुनाव प्रचार के दौरान कई पार्टियों के गुट आपस में भिड़ गए। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होना है। केंद्रीय बलों की तैनाती के बावजूद हिंसा थम नहीं रही। 11 जुलाई को पंचायत चुनाव के परिणाम आएंगे। बताया ये भी जा रहा है कि 12% जगहें ऐसी हैं जहां टीएमसी के कैंडिडेट को निर्विरोध चुन भी लिया गया है। ये तमाम वो जगहें हैं जहां हिंसा ज्यादा देखने को मिली है। मतलब ये कि जिन जगहों पर नॉमिनेशन सिर्फ टीएमसी के लोगों ने दाखिल किया और कोई नॉमिनेशन भरने नहीं आया, वो हिंसा प्रभावित जगह हैं। और पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन बेफिक्र ममता बनर्जी चुनावी चाय बनाने में मशगूल है। आपको याद होगा शायद, उनको ये लगता है कि ये चाय जो है उनके लिए एक गुड ओमेन है, अच्छा टोटका है, क्योंकि विधानसभा चुनावों के समय भी वो चाय बनाती नजर आई थी और उसके बाद लोग ये समझ रहे थे कि इस बार उनका असल में उनकी छुट्टी हो सकती है। लेकिन वो फिर से विधानसभा चुनाव जीत कर आई, मुख्यमंत्री बनी, एक बार फिर से उनको लग रहा है कि ये चुनाव बनाना उनके लिए एक गुड ओमेन है। लिहाजा आप यहां देख रहे हैं वो चाय बना रही हैं। बंगाल जल रहा है लेकिन उनकी चाय बन रही है। और अब अगली अहम खबर, महाराष्ट्र में औरंगजेब के को लेकर राजनीति गर्म है। और इस बीच आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर की पौत्र वधु सुल्ताना बेगम ने औरंगजेब पर राजनीति करने का बड़ा हमला बोला है। सुल्ताना बेगम ने ओवैसी, अबू आजमी और प्रकाश अंबेडकर को खरी खरी सुनाई है और कहा है कि ये लोग सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, मेरी मदद के लिए तो कभी भी कोई सामने नहीं आया। सुल्ताना ने कहा कि सोनिया गांधी ने भी हमारी गुजारिश को ठुकरा दिया। दो दिन पहले ओवैसी की रैली में औरंगजेब के नारे लगे थे। औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर भी राजनीति हुई थी। इन तमाम लोगों का कहना यह है कि हमारे वंशजों के नाम पर सियासत होती है, लेकिन हमारी सुध लेने वाला उन पार्टियों में से भी कोई नहीं जो हमारे नाम पर सियासत करते हैं। और बहुत जल्दी आपको दिखाता हूं मध्य प्रदेश में किस तरीके से धीरे धीरे सियासी पारा बढ़ता जा रहा है, और फिलहाल ये पोस्टर्स में नजर आ रहा है, जरा देखिए। भोपाल के बाद कटनी में सीएम शिवराज सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों में भ्रष्टाचार शिवराज और 50% लाओ काम कराओ जैसे स्लोगन्स लिखे गए हैं। इससे पहले 24 जून को इंदौर के कई चौराहों पर कमलनाथ के खिलाफ करप्ट नाथ लिखे पोस्टर चस्पा किए गए थे। इनमें लिखा था कि स्कैन करें और भ्रष्ट नाथ के कांड जाने। चुनाव से पहले छिड़े पोस्टर वॉर पर कमलनाथ ने कहा है कि इसकी शुरुआत बीजेपी ने की है। दूसरी तरफ एमपी कांग्रेस ने ऑटो रिक्शा पर लगे इश्तहार को ट्वीट किया और लिखा कि शिवराज का 50% कमीशन खोरी का संदेश जनता साथ लिए घूम रही है। हर तरफ मचा है हाहाकार, 50% कमीशन लेती है सरकार। ये पोस्टर किसने लगाए ये साफ नहीं है, लेकिन बीजेपी ने पोस्टर वॉर को कांग्रेस की अंदरूनी कलह का नतीजा बताया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कमलनाथ के खिलाफ पोस्टर मामले को डाइवर्ट करने के लिए सीएम शिवराज के खिलाफ अब पोस्टर लगाए गए हैं। कांग्रेस के लोग कभी पोस्टर्स लगाते हैं तो कभी फर्जी कॉल करते हैं। और बिग एंड बोल्ड में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री का डंके की चोट पर ऐलान, याद रखिएगा इतने जीरो की गिनती भी नहीं हो पा रही होगी एक बार में। दिखाएंगे पूरी खबर, ये क्या है खबर, शाम 7:28 पर बिग एंड बोल्ड स्पेशल में आप ये देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दिल्ली में बिजली की दरों में 10% की बढ़ोतरी पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। अनिल चौधरी की अगुवाई में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर बिजली कंपनियों से सांठगांठ करने का आरोप लगाया। वहीं आम आदमी पार्टी ने महंगी बिजली को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार बिजली कंपनियों को महंगा कोयला खरीदने के लिए मजबूर कर रही है, जिससे बिजली उत्पादन महंगा हो गया है।
और अब बहुत जल्दी से देखिए कुछ और सियासी सरगर्मियां। बिग एंड बोल्ड फाइव क्विक टेक्स। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 1 जुलाई को दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस की अहम बैठक हुई। बैठक के बाद पार्टी ने साफ कर दिया कि चुनाव में बीआरएस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। कल हैदराबाद में केसीआर की पार्टी के 35 नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। जेडीयू से निकलकर अलग पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के पहले ही जेडीयू खत्म हो जाएगी। जेडीयू में भगदड़ की स्थिति है, लगातार लोग छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी आरएलजेडी बनाई है। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों के बीच कश्मीर को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। घाटी में शांति व्यवस्था और अमरनाथ यात्रा को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई। 1 जुलाई से अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। ब्रजभूषण चरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण केस में 1 जुलाई को बहस होगी। पहलवानों ने इस मामले की जांच के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की थी। अब महिला पहलवानों ने इस याचिका को वापस लेने की मांग की है। इस पर अदालत ने कहा कि मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं, ऐसे में जांच निगरानी की मांग वाली याचिका का कोई औचित्य नहीं है।